चने की कीमतें अभी एक सीमित दायरे में कारोबार करती हुई नजर आ रही हैं, जो कि सरकार द्वारा दालों पर स्टॉक लिमिट और आयात के फैसले से देखने को मिला है। मानसून में अभी अचानक बदलाव देखने को मिला है और मानसून एक बार फिर से सक्रिय हुआ है, जिससे दालों की अगली बुवाई अच्छी होने का अनुमान जानकार अभी लगा रहे हैं। चने का उत्पादन 2020-21 में 119.9 लाख टन रहने का अनुमान जताया जा रहा है। इन सब वजहों के चलते चने की कीमतें त्योहारी मांग का सपोर्ट होने के बावजूद एक सीमित दायरे में कारोबार करती हुई नजर आ रही हैं। वहीं SMC के रिसर्च एसोसिएट रविंद्र शर्मा के मुताबिक चने की कीमतों में अभी कुछ दिनों तक दबाव देखने को मिल सकता है और गिरावट थोड़ी गहरा भी सकती है। उनके अनुसार अगले कारोबारी सप्ताह या फिर उसके अंत तक चने की कीमतों में ऐसा ही रुझान देखने को मिलता रहेगा। हालांकि उसके बाद चने की कीमतों में निचले स्तर से एक खरीदारी भी निकलेगी और चने में कुछ तेजी भी देखने को मिल सकती है। रविंद्र शर्मा के मुताबिक अगले कारोबारी सप्ताह या फिर उसके अंत तक चने की कीमतों में वायदा में 5500 से लेकर 5700 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।